सिटी रहमानपुरा, रहमानपुरा में सिटी स्कूल बॉयज हाई स्कूल है और गर्ल्स हाई स्कूल है। और जिस दौर में कोरोना जो है बड़े अरूज पे जा रहा है, अरूज पे जा रहा है, अभी भी जा रहा है, ठीक है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आगे फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन लगा भी रहे हैं, बहुत से इलाकों में रात को भी इन्होंने लगाया है। तो ये बिल्कुल स्कूल के एन सामने ये जो कूड़े का ढेर आपको नजर आ रहा है, आपके पीछे कूड़े का ढेर है जो यहाँ से उठता ही नहीं है, कई महीने से हम मुसलसल देख रहे हैं। और ये अगर आप देखें तो ये पार्क है, पीछे नजर आ रहा होगा आपको, ये पार्क नजर आ रहा होगा। और ये बिल्कुल पार्क के सामने जमात इस्लामी के एसोसिएशन में ऑफिस है, और इसके बिल्कुल साथ म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर है जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं, और उनके बिल्कुल साथ ये कूड़े का ढेर जो महीनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? जी जी, मेरे बच्चे माशाल्लाह इसी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ते रहे हैं, जो बड़े हैं वो भी यहाँ पढ़ते रहे हैं, बल्कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ाते भी हैं। अच्छा। मुझे रोजाना यहाँ 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और मैं देखता हूँ कि ये जितना कूड़ा क्रिकेट यहाँ होता है, हालांकि यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये स्कूल है, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इनके लिए तो बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। चाहे जाए कि यहाँ से, यहाँ कूड़ा क्रिकेट होता है, यहाँ बच्चों के खाने की चीज़ें लगी होती है, यहीं से मक्खियाँ उठ के खाने वाली चीज़ों में बैठती हैं, वहीं बच्चे बीमार होते हैं। नहीं, तो आपने कभी कोशिश नहीं की मिलजुल के किसी? सर, ये इलाका हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं आफीफ सिद्दीकी साहब पार्टी में भी हैं, तहरीके इंसाफ के बहुत सारे गर्म कारकुन हैं और बुनियादी कारकुन हैं, उनकी बहुत मानी जाती है। तो सिद्दीकी साहब से बात की आपने? से बहुत ज़्यादा दफ़ा की है। हमारे यहाँ जो करता रहता है, ये उनकी नाक पे कूड़ा रखा हुआ है, इसके बावजूद उन वो नहीं उठवाते, या उठाते नहीं है, या उठवाते नहीं है, या क्या उनके ऑफिशियल मसाइल है क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि ये बच्चों के सामने से उठाया जाए, बच्चों के सामने से उठाया जाए। जी आप क्या कहेंगे? जी मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे 5 बच्चे स्कूल में, इसी स्कूल में पढ़ते हैं जी, और ये सामने बिल्कुल ये कचरा पड़ा हुआ है, जिससे गंदगी फैल रही है, बच्चे भी बीमार होंगे। फिर दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान बनाया हमने, तो ये क्या, अगर नया पाकिस्तान ऐसे ही पाकिस्तान बनना है तो फिर तो वो हमें तो वो पुराना पाकिस्तान ही ठीक था, कि जिसमें कम से कम ये सफाई, ये बच्चों का, दूसरी चीज़ों का ख्याल तो रखा जाता था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में हर तरफ से जो है ना वो घेरा हुआ है, हर वक्त हर मुसीबत ने, ये देखेंगे कोई थोड़ी मुसीबत तो नहीं है, ये क्या कितना गंदा है, बहुत ज्यादा है जी, महीनों से पड़ा हुआ है। यहाँ पे बच्चे, मक्खियाँ, मच्छर, ये फिर कहते हैं कि डेंगू फैलता है, ये डेंगू फैलेगा, यहाँ पे मच्छर भी पैदा होंगे, यहाँ पे हर चीज़, वो जो गंदगी जो बच्चों की सेहत के लिए मुजर है, वो हर चीज़ यहाँ पे पैदा होगी। तो ये गवर्नमेंट से अपील है, या यहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है आफीफ सिद्दीकी साहब, ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है, ये पूरे इलाके में ये मसला बना हुआ है जी, पूरे ये 2 दिन में उठाते हैं, महीने में 2 या 3 दफ़ा वो पता नहीं वहाँ पे पैसे देते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे, वो जल्दी से 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन, और ये 27 दिन यहाँ पे पूरे इलाके में कूड़ा पड़ा। बहुत शुक्रिया। आप इधर आए, आप इधर गार्ड है स्कूल में, सिक्योरिटी गार्ड है जी ये स्कूल में, इसी में, और हम इनसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम महसूस होती है? आपको प्रॉब्लम है कि रोजाना उसको बोली बोलते हैं, जो इधर आते हैं सफाई वाले, उनको बोली ला कि यार ये कूड़ा उठा लो, कूड़ा उठा लो। अच्छा। वो दूसरे होंडे वाले भी आए हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं कूड़ा उठाते, नहीं कूड़ा उठाते तो मुझे बताओ, वो भी आए हैं, उन्होंने 2 बार होंडा वाले ने उठाया, ये फिर इधर का इधर ढेर लगा हुआ, जितनी दवाई तो कहो कोई नहीं, ये तो इनको चाहिए ना कि ये ठेका ख़त्म होने वाला है, 6 महीने पहले उसकी बात करें कि ये पिछला ठेका ख़त्म हो जाना है, दूसरे ठेके वाले से बात करें ये कूड़ा उठाने की, जो वो बात करते ही नहीं है, बात नहीं करते। मतलब बटन हम पे तो नहीं आना चाहिए, हम पे नहीं आना चाहिए। ये बाईं जानिब बच्चों के खेलने का पार्क है, ये रहमानाबाद वादत रोड का इलाका है, और मेरी दाएं जानिब ये आप देख सकते हैं कि 2 स्कूल हैं, हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल और बॉयज हाई स्कूल। और इसके साथ ही जमात इस्लामी का ऑफिस है, और इसके कुछ पीछे अगर हम देखें तो यहाँ बिल्कुल साथ मेरा ख्याल 4 से 5 बिल्डिंग्स छोड़ के म्यूनिसिपल कमेटी का ऑफिस है, और ये कूड़ा यहाँ पे बिल्कुल म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस के पास महीनों से यहाँ ढेर लगा होता है, और कई मोहल्लों से ला ला के लोग स्कूल के सामने ये कूड़ा ढेर कर रहे हैं, और कई दफ़ा जो यहाँ करता धरता हैं यहाँ के, उन्हें कई दफ़ा कहा भी गया इस हवाले से, लेकिन किसी ने इस पर कहा नहीं।
नहीं कहूँगा मैं कोई किसी सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबसे पहले जो है वो हम लोगों की, कौन फेंक रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कौन फेंक, अगर ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है कि कौन यहाँ पर फेंक रहा है, ठीक है, उसके बाद ये हुकूमत का काम है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर हुकूमत खुद फेंक रही हो यहाँ पर, अगर हुकूमत खुद फेंक रही है यहाँ पर, तो फिर इसका सदबाव किस तरह करेंगे आप लोग, मुझे ये बताएं। ये सामने आपके बच्चे हैं, ये देखिए स्कूल है, तो ये गवर्नमेंट का स्कूल है ये वाला, और इसके सामने जो है वो लोग ये कूड़ा फेंक के जा रहे हैं सब कुछ। ये ग्राउंड के अंदर देखिए वो झूले लगे हुए हैं, बिल्कुल सही है, वो सारी सफाई रखी हुई है, लेकिन क्या किया हुआ है कि सारा गंद इधर डाला हुआ है। ये बेसिकली माशरा जो है, हम माशरा यानी कि एज अ सोसाइटी अगर हम काम करेंगे तो फिर इस चीज़ का रेक्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन इसकी सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है वो हुकूमत की बनती है कि वो आकर देखे जो भी इसके जिम्मेदार जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो बेशक ये पीछे भाषा का दफ्तर है, म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर है, सारे दफ्तर इस रोड के ऊपर है, लेकिन कोई भी कान नहीं धरता। रोजाना सुबह कई अफसरों का यहाँ से आना जाना होता है, लेकिन वो देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और ये सिर्फ ये बीमारियाँ फैल रही हैं, ये फैलेंगी आगे किस तरह जाएंगी, ये हम तक ही डिलीवर होगी, और हम जो है सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और कोई भी बात नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल आप देखेंगे ये प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही है, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, इवन कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, सिर्फ मैंने सिर्फ ये दिया देख कर आपको सिर्फ ये पैगाम देने के लिए आया हूँ कि अगर जो भी मेम्बरान हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं इसके हवाले से, उनको चाहिए कि वो कोई शर्म खाएँ, कोई हिया खाएँ किसी भी तरीके से, और इसका सदबाव करके एटलीस्ट अपने फ्यूचर को बचाएँ। ये सामने आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजाना आते हैं, किसी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम किसका स्ट्रॉन्ग है किसका नहीं है, स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो बच्चे और यहाँ से बीमारी लेके जा रहे हैं। तो मेरा ये सिर्फ जो भी हुकूमत है सूबाई लेवल पे है या फेडरल लेवल पे है, किसी भी लेवल पे जो हुकूमत है उसको चाहिए कि इसकी रेक्टिफिकेशन करें और थ्रू आउट एरिया करें, थ्रू आउट सिटी करें, थ्रू आउट जितने भी जो भी आपने पार्ट्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली चलें, और जो भी जिम्मेदार हैं उनके कान खींचें आप। ये मेरा वज़ीर आला पंजाब के लिए, ये मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, ये मेरी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, वो खा DPO हो, वो खा AC हो, DC हो, कुछ भी हो, सब के लिए पैगाम है कि इसका सदबाव करके और अपने लोगों को जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट दे। बहुत शुक्रिया। नहीं चाहूँगा कि ये आज का मसला नहीं है, पिछले कई सालों से मैं इसे देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस काम को हम सियासी उस पर ना देखें, नून लीग की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, हम हाँ जी ये अवाम का मसला है, और इसके लिए मैं ये सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों की तवज्जो से, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग तशरीफ लाए कि हमें कोई ऐसा हल मिल जाए कि हम 10-12 साल से इस काम के पीछे लगे हुए हैं। स्कूल के हेडमास्टर मीटिंग बुलाते हैं, ये सही सब खड़े हैं, ये मीटिंग बुलाते हैं 10-12 सालों से, हमें कोई ऐसा कोई एक नंबर, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिल जाए जहाँ पर हम जाएँ तो हमारी सुनवाई हो जाए। आप लोगों के तवज्जो से ही अगर कोई ऐसा हो सकता है तो हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। आप सीक्रेट न्यूज़ के ऑफिस आए, नंबर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है, नोट करें, कोई किसी किस्म का मसला आपको हो, वापदा की तरफ से हो, वासा की तरफ से हो, ये बल्दिया की तरफ से होता है, थाने की तरफ से होता है, आप सीक्रेट न्यूज़ के ऑफिस आए, अपनी एप्लीकेशन दें, आपका मसला हल होगा। बहुत शुक्रिया जी, मतलब हम आपके साथ चलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ चलेगी। मैं दोबारा फिर ये गुजारिश करूँगा कि कोई स्कूलों के बाहर कम से कम इस तरह का कोई ना कोई नंबर जरूर होना चाहिए कि हम हुकूमत वालों को कहें आपको तक आने की जरूरत ही ना पड़े, वो काम करें, जो भी हुकूमत है PTI की है नून लीग की है वो अपना काम मुकम्मल करे। बिल्कुल आपकी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो कूड़ा करकट है ये ढेर है, बच्चे आते हैं बीमार हो रहे हैं इधर आके, स्कूल के सामने आलूगी है और ये कई माह से चल रहा है सिलसिला, ये ख़त्म होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए इधर मामला, और ये बहुत बड़ी गफलत है, बीमारियां फैला रहे हैं ये कूड़ा और बदबू आती है स्कूल के माहौल में, और गुजरने का भी मसला मसाइल है, और जो इंतज़ामिया के या जिनका ये तलक बनता है मामला वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को। आपकी मेहरबानी है, आप आए हैं इस मसले को उठाया और इस मसले को हल होना चाहिए अब जो है ना दोबारा। हाँ जी बहुत शुक्रिया। ये कूड़ा टोटली सारा साफ़ होता है, सबसे ज़्यादा मसला ये है कि एज ए मुस्लिम जो है सबकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा निस्तेमान है सफाई, हम सबको ख्याल रखना चाहिए, मगर ये कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आवाम तो चले पीछे रह गई, ये जो पार्क वाले हैं जब इसकी पार्क की सफाई करते हैं ये सारा गंद देखिए। अच्छा जी, ये गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल रहमानपुरा में टीचर है और ये केयर की टीचर है, इनसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि स्कूल के बाहर कूड़ा जो जमा हुआ है इसके बारे में ये क्या कहेंगी, बच्चों की सेहत के लिए या आपके बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों के लिए यही कहेंगे, बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें जल्दी इफेक्ट होता है हर चीज़ से, और आजकल तो कोरोना की वजह से तो ज़्यादा इशूज़ हैं, तो बेहतर है कि अगर ये सफाई हो जाएगी तो बच्चे एहतियात के साथ रेगुलर स्कूल पढ़ सकेंगे। शदीद
तकलीफ में मुब्तला हैं लोग। और सबसे बड़ी इस जगह की इम्पोर्टेंस ये है कि एक तरफ बच्चों के खेलने का पार्क है और दूसरी तरफ दो स्कूल हैं जहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं। तो उसके साथ सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे साथ ही जमात इस्लामी का दफ्तर है और यहाँ स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि अहमद सलमान बलोच जो लियाकत बलोच साहब के साथ जाते हैं, चंद दिन पहले उन्होंने उनसे वादा किया कि हम इसकी बाकायदा तस्वीर बना के इसे वायरल करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कूड़ा यहाँ से उठाया जाए। और कई दिन गुजर जाने के बावजूद उस तरफ से भी कुछ नहीं किया जा सका। तो हमारी दरख्वास्त है वज़ीरे आला उस्मान बुज़दार साहब से, जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस कूड़े को, असल में हुआ ये है कि ये जो कूड़ा पहले पूरे लाहौर में, चूँकि कूड़े की बहुत बोतात हो चुकी है, लेकिन जब मीडिया पे शोर मचा तो उन्होंने मेन रोड्स के ऊपर सफाई का इंतज़ाम कर दिया और वो मेन से अंदर की तरफ कूड़ा शिफ्ट हो गया। बाहर से उन्होंने ड्रम ही उठा दिए वो जो कूड़ा फेंकने वाले होते हैं।